नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। गत दिनों संपन्न हुए नगर निगम उपचुनाव में विजय दो प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। गया समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन SM ने पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को वार्ड 26 से जीते पार्षद पद के लिए उन्हें शपथ दिलाई। इसके अलावा वार्ड 15 से नव निर्वाचित पार्षद दीपक चंद्रवंशी ने भी शपथ लिया। शपथ ग्रहण के बाद सभागार से बाहर निकलने पर पूर्व डिप्टी मेयर का भारी समर्थकों ने ढोल बाजे के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद नव निर्वाचित पार्षद समाहरणालय से निकलकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपने समर्थकों को बधाई दी। समर्थकों का भारी भीड़ के बीच मिठाई भी बांटी गई। लोग फूल मालाओं और गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत कर रहे थे। गौरतलब है कि गत दिनों वार्ड संख्या 26 से पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने चुनाव लड़ा था और उनकी भारी मतों से जीत हुई थी। वहीं वार्ड पार्षद 15 से दीपक कुमार चंद्रवंशी ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उनकी भी जीत हुई थी। जीत के बाद दोनों प्रत्याशियों को मंगलवार को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर सह वार्ड संख्या 26 से नव निर्वाचित वार्ड पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि यह हमारी नहीं समर्थकों की जीत है, उनकी बदौलत थी हम विजयी हुए हैं, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हजारों की संख्या में समर्थक भीषण गर्मी पर सड़कों पर हमारा स्वागत किया, यह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि विगत कई महीनों से निगम का कार्य बाधित है, जनहित में कार्य में तेजी लाना हमारी प्राथमिकता होगी, नालों की सफाई प्राथमिकता के तौर पर दिलाई जाएगी। शहर का प्रमुख मनसरवा नाला की सफाई बहुत ही जरूरी है ताकि बरसात के समय जल जमाव की स्थिति ना हो। ऐतिहासिक डायरेक्ट चुनाव महापौर उप महापौर का हुआ, सभी निगम के माननीय मतदाता गण ने चुना और कुछ बातें जो कमी थी वो उपचुनाव में आज पूरा हो गया। अब हम लोग को किसी तरह का गीला शिकवा, किसी तरह का आपसी मतभेद को मिटा कर और आज से ही काम को गति देना है। सबसे पहला काम जो नाला का सफाई होना चाहिए, उस तरह से हुआ नहीं है। अगर शहर में आज तक कभी मनसरवा नाला छोड़ के कोई गति दुर्गति नहीं हुआ हो, इसलिए आगे भी नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग लग देंगे। विकास का काम जो भी रुका हुआ है उसको त्वरित गति से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम जो एक कॉरपोरेट ऑफिस है, इस नगर निगम में जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को कार्य होता है और सीधा जनता से जुड़ी हुई कार्यालय है, इसलिए इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे। तमाम जनता को मैं बहुत बहुत मतदाताओं को, सम्मानित लोगों को, वोटर सपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 3 विधानसभा में फैला हुआ आंशिक रूप से गया नगर निगम बड़ा नगर निगम है, पटना के बाद दूसरा नगर निगम है। सभी लोगों ने इतना प्यार स्नेह और आज शपथ ग्रहण में हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट से लेकर यहाँ तक धूप में इस 1 बजे दोपहरिया 1:30 बजे तक लोग खड़े हैं, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। लोगों को बहुत विश्वास है, लोगों को दिल में आस्था है, शहर के प्रति जागरूकता है, ये दर्शाता है। और इस परिस्थिति में तमाम जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो बढ़ जाता है कि उनके विश्वास पर सारे लोग खरा उतरे और नगर निगम में जो काम के बाधक बनेंगे वो जनता और लोगों का दुश्मन, और जो इसमें सहयोग करेंगे वो हमारे लिए मालिक के बराबर होंगे। और आज से हम लोग ये बृहद पैमाने पर काम प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इसमें आड़े आएंगे उनको हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और शहर का और आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन उनको हम मानेंगे। यही आस्था के साथ आप लोगों ने जो विश्वास जताई है, चहुंमुखी विकास आपको 1 साल के अंदर शहर में दिखेगा कि गया नगर निगम जिस तरह से ग्रोथ पर गया था और ऊपर जा रहा है। अपेक्षा सभी जनप्रतिनिधियों से, अपेक्षा सभी पदाधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से, अपेक्षा आम लोगों का सहयोग से, बगैर इसके बगैर कोई काम अकेला कोई नहीं बढ़ा सकता, सबका सहयोग से लेकर के हम लोग आगे इसको मजबूती से बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को पूरी तरह से, बहुत बहुत। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।